कह रहे तू डाबला के खिलाफ केस लड़ेगा? नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, नहीं, नहीं डाबला भाई, नहीं, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके खिलाफ कभी केस नहीं लड़ूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डाबला भाई, मुझे माफ कर दीजिए डाबला भाई। क्या रे, तू अभी डाबला को सिखाएगा धंधा कैसे करने का? देख मेरे धंधे में बाटा रेट चलता है, जो रेट बोल दिया ना उसमें माल उठाने का, नहीं तो पीने का, खाने का और बत्ती बुझाने का। जा। नाराज क्यों होते हो डाबला सेठ? मैं तो यूं ही बोल रहा था, धंधा तो आपके साथ ही करने का है। हाँ तो फिर ज्यादा बोलने का नहीं, माल उठा और चप्पल पहन। छुगानी भाई का बोलना था कि एक बार टांग उठा दिया ना तो फिर कुछ जाने का, देखने का नहीं नीचे कुआं है कि धुआं है, समझा? टांग उठाने से पहले कुएं की गहराई जरूर देख लेनी चाहिए। ऊपर वाले ने आदमी के मुंडी के अंदर एक मशीन भी तो दिया है सोचने के लिए। आओ शिरके आओ। अरे भाई तुम्हारा ये राशन में पुलिस स्टेशन भेजने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गए, आओ बैठो। अरे सुना है वो वकील की बीवी बहुत मचमच कर रही थी क्या? उसकी फिक्र मत करो सेठ, उसके लिए मैं हूं ना। तू साला इंस्पेक्टर बहुत शाना है यार। तेरी सरकार तुम लोगों को क्या पगार देती होगी यार? इससे अच्छा तो तुम लोग हमारे वहां नौकरी करते तो तुम्हारी ये रिश्वत खाने की आदत तो छूट जाती। जुर्म और कानून का रिश्ता तो बहुत पुराना है साहब, तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो तुम हो। हाँ मैंने उसकी बॉडी को मॉर्ग में पहुंचा दिया और एक्सीडेंट केस बनाकर उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी है। जैसे वो दिनेश गुप्ता के साथ हुआ था। दिनेश? जिसे काली ने कॉलेज के टेरेस पे से धक्का मार के। लेकिन लफड़ा साला तभी छोटा है जब पब्लिक में से कोई आवाज उठाता है। अरे किसको अपना अच्छा भला टाइम खराब करने का है जो डाबला के खिलाफ आवाज उठाए। आज शाम को हम सब सहेलियां सीमा की बर्थडे पार्टी पे जा रही हैं, तो मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगी। ओके ओके, लेकिन घर जल्दी चली जाना। ओके देन बाय, सी यू। जाने मन जाने जिगर, वो चिकना कौन था तुमसे मतलब? अपने कॉलेज में कोई बाहर का छोकरा लाइन मारे वो अपन को पसंद नहीं किया। तेरा मतलब कॉलेज में खाली अपन लोग ही लाइन मार सकते क्या? एक नजर हम पर भी डालो जाने मन, क्योंकि हम भी स्मार्ट है। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बोलने का, प्रिंसिपल की लड़की है, उससे बदतमीजी करने का। काली! नहीं, ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं सर, मैं तो इन्हें कॉलेज का डिसिप्लिन समझा रहा था। मैंने सुना तुम क्या कह रहे थे, मुझे अभी ऑफिस में आकर मिलो। सर इज इट अर्जेंट? लगता है प्रिंसिपल आज काली की क्लास लेने वाले। देखो मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूं, इस कॉलेज में अगर रहना है तो अपनी ये हरकतें बंद करो, वरना मजबूर होकर मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा? क्या क्या करेगा? मेरे को कॉलेज से निकाल देगा? डाबला सेठ के बेटे इस काली को कॉलेज से निकाल देगा? हाँ हाँ मैं जानता हूं कि तुम उस डाबला के बेटे हो जिसने अपनी गुंडा ताकत से इस शहर में अपना साम्राज्य जमा रखा है, लेकिन यह मत भूलो
कि ये एक कॉलेज है और यहां मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता। ए प्रिंसिपल, इतना ऊंचा नहीं बोलने का। तू मेरे को कॉलेज से नहीं निकाल सकता, भूल गया? दिनेश गुप्ता की मौत को उसकी लाश के पंचनामे में सिग्नेचर करके तूने जो बयान दिया था वो याद नहीं? मेरे बाप के नाम से तुम्हारा भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। ले पानी पी ले, ले। आए। बहू, बहू। जी बाबूजी। कोई मुझे बताएगा कि पूजा कहाँ गई है? इतनी रात हो गई, अब तक लौटी क्यों नहीं? वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पे गई है। मैंने विजय को भेजा है उसे लाने के लिए, वो लोग अभी आते ही होंगे। बदतमीजी नहीं है, स्टाइल है अपन का, स्टाइल। देखो तुम सीधी तरह से हमारा रास्ता छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा रास्ता, क्या कर लेगी? ए? देखो तुम हद से बाहर जा रहे हो, रास्ता छोड़ो वरना। ए, वरना हा? मेरे को धमकी, उधर चिकने के साथ कॉलेज में तीन 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 तीन। ए! रात को इस तरह की पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? तुम बराबरी करती हो जिन सहेलियों की, वो उस परिवार से हैं जिनके रंग ढंग हमसे मेल नहीं खाते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो जरूर कोई मुसीबत खड़ी करोगी। पिताजी, उन लोगों ने जिद की थी इसीलिए। उनकी जिद से क्या होता है? तुम अपना अच्छा बुरा खुद नहीं सोच सकती हो क्या? भले घरों की लड़कियां इतनी रात तक बाहर नहीं रहती। बस बस बस, अब बस भी कीजिए, कोई अपराध तो नहीं हो गया इस बेचारे से? ऐसे मौके पर अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी मौज मस्ती कर ली तो कोई गुनाह हो गया क्या? बहू तुम वकालत मत करो इसकी, इस उम्र में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। बस पिताजी, आप इस तरह क्यों डांट रहे हैं इसे? आपने उस लड़की के लिए एक शब्द नहीं कहा, इसके आगे सर क्यों झुका देते हैं? हम घर की लड़कियों को डराते हैं कि वो जल्दी घर लौट आए, मगर काली जैसे लोगों पर अंकुश लगे इसके बारे में क्या करते हैं हम? उनके डर से चूहों की तरह घरों में बैठ जाना चाहिए हमें।
भैया ये हमारी शराफत नहीं बुजदिली है। भैया मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से बाबूजी ने आपको बातें सुनाई। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे तू कहां अपना सर खपा रही है, इसकी नाराजगी तो सिर्फ हमारे आगे चलती है, प्रिया के सामने तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे आजकल वो है कहां, बहुत दिन से दिखाई नहीं दी।
बाबूराम एक चाय तो बोल, सर दुख रहा है। जी अच्छा। उफ़, पहले तो बस की लंबी लाइन, उसके बाद रास्ते का ट्रैफिक। बॉस नाराज है क्या? हाँ हाँ जल्दी जाओ। ओ, जाती हूँ। क्यों मैडम, थोड़ी तैयार हुई अंदर बोलने के लिए? कभी जल्दी भी आया करो। तुम्हारी वजह से तो देर होती है मुझे उठने में। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम सपनों में जो तंग करते हो, और एक बार आँख खुल गई तो फिर नींद गायब, और जब तक दोबारा आँख लगती है सुबह हो चुकी होती है, समझे आप? समझ गया, अब अंदर चलिए, बॉस इंतजार कर रहे हैं। अंदर तो तुम आ ही चुकी हो, मगर ये ऑफिस आने का कोई वक्त है? सर वो क्या हुआ कि टैक्सी, मेरा मतलब बस में, ऑटो में। फिर कोई नया बहाना? वेल यू मे गो नाउ, मगर आइंदा से वक्त पर आना सीखो, समझी? थैंक यू सर। सर सर ये चार्ट के हिसाब से तो, रिलैक्स बैठो। सर ये चार्ट के हिसाब से तो ये लैंड हमारा है जिसपे डाबला ने कब्जा कर रखा है, और फिर आप। देखो विजय, मैं डाबला से उलझना नहीं चाहता, भगवान ने इतना कुछ तो दिया है, फिर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए। सर जमीन का टुकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन वो अपना है। आज उसने वहां शराब खाना खोल रखा है, कल क्लब खोल देगा, जुआ खाना खोल देगा, कुछ भी करेगा वो। मगर डाबला जैसे गुंडे के साथ हम कर ही क्या सकते हैं, उसे कानूनी नोटिस भी भिजवाया था। क्या हुआ, यहाँ के पुलिस की हालत तो तुम जानते हो। सर डाबला को कब्जा देना यानी गुंडा राज के सामने सर झुकाना, और वो एक अपराध है। सर हमें तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखो जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, अब अगर तुम अपने तरीके से कोई रास्ता निकाल सकते हो तो जरूर निकालो। ए, कौन है बे तू? साले बोलते क्यों नहीं, गूंगा है क्या? तुम लोगों को नोटिस तो मिला है ना ये जगह खाली करने का? नोटिस? ऐसे कई कागज के टुकड़े इस भट्टी के अंदर डालकर भून चुका हूं। मगर तू तो किसका आदमी है, खन्ना का या सरकार का? अरे ये तो इंजीनियर है, इंजीनियर। अबे तू जो भी यहां से बच के नहीं जाएगा। मुझे जगह खाली चाहिए, समझे? वरना इन लकड़ियों की जगह इन भट्टियों में तुम्हारी हड्डियां होंगी। कह देना तुम्हारे डाबला सेट से। और तू मेरा नाम जानना चाहता था ना? विजय सक्सेना, सुना? विजय सक्सेना। क्या नाम क्या था उसका? विजय, बड़ा भाई वकील, बाप कॉलेज में प्रिंसिपल, और ये इंजीनियर। देखा एक खानदान के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। कहो तो अंकल, उसको फूल से हाफ कर डालें? ए, नहीं नहीं, छुगानी भाई बोलते थे कि पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ी होशियारी से निपटना चाहिए, समझा? लेकिन साला एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती है कि ये सत्य प्रकाश जिसने वो छोकरे की मौत के लिए झूठा बयान दिया था,
यही जिसको काली ने फॉलो अप कर डाला था, वो तो साला मेरे नाम का मतलब बराबर समझता है। तो फिर ये छोकरे के खोपड़े में बात क्यों नहीं जाती है? अंकल, उसका पंगा तो पहले भी काली भाई के साथ हो चुका है। और साले हरामी की औलाद, पहले बताया क्यों नहीं कि उसने तेरे को मारा था? मैं सोचा था बाप की बात नहीं, तू मेरे को बाप मत बोल। साला दाढ़ी मुझ तो ऐसा बढ़ा के रखा है जैसे शेर चीते के साथ वड़ा पाव खाता हो। मेरे नाम का लुटिया डुबा दिया है हरामी ने। ठीक, जनाब आप गाड़ी निकाल, वो इंजीनियर के छोकरे का हिसाब किताब तो करूं मैं जरा जाकर। खन्ना साहब, इस दुनिया से दिल उड़ गया है क्या तुम्हारा? हैं? दिल उड़ गया है क्या? होता है, होता है। आदमी अकेला हो जाता है ना तो दिल उब जाता है ना? लेकिन तुम्हारा तो एक नन्ना मुन्ना बेटा भी है ना? कहाँ पढ़ता है वो? ऊटी में। देखो डाबला, मैं मेरे को दिखाने फिकाने का नहीं, क्या सुनने का? क्या सुनने का? मैं जो बोलता हूँ ना वो कान खोल के सुनने का। मेरे को क्या होता है बाद में आगे पीछे का कुछ याद नहीं रहता है ना। क्या बोल रहा था मैं अभी तेरे बेटे के बारे में? उटी में पड़ता है ना वो। जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे विजय को रोकना चाहिए था। देखो खन्ना, क्या है, मैंने तुम्हारी जगह पे दारू का धंधा डाला, मैं मानता हूँ। मैंने नहीं पूछा। लेकिन उसके बारे में तुमने भी मेरे को कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा ना। फिर क्या है ये पुलिस, ये कोर्ट, ये नोटिस, ये सब नाटक वाली गए? इसके बाद भी मैंने आपको कुछ पूछा? मैं कुछ नहीं बोला ना यार। तुम तुम्हारा काम करो, हम लोग हमारा काम करते हैं। अगर मैं चाहता ना तो ये जमीन पक्का करने के लिए सरकारी कागजात पे मैं तुम्हारा सिग्नेचर भी ले सकता था। तुम मानते हो ना मैं ले सकता हूँ ना? मानते हो ना तुम? फिर भी नहीं लिया ना मैंने नहीं लिया ना। हमारे छुगानी भाई बोलते थे कि पढ़े लिखे लोगों के साथ में है ना कभी लिखा पढ़ी का काम नहीं करना चाहिए। यार तुम्हारा और मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा था, बढ़िया काम चल रहा था गवर्नमेंट की तरह, फिर ये साला 2% का लौंडा किधर से आया? एक्सक्यूज मी सर। आओ विजय। तो तेरा नाम विजय, तो तूने मेरे दारू के अड्डे पे जाके तांडव नृत्य किया था? हाँ, क्योंकि तुम जिस जगह पर जहर का कारोबार कर रहे थे वो जगह खन्ना कंस्ट्रक्शंस की है। तो खन्ना का क्या लगता है? क्या रे खन्ना, इसको गोद लिया है लौंडे को क्या? मैं इस कंपनी में इंजीनियर हूँ। अबे दोबारा ऐसी गलती करना मत, नहीं तो तेरी अर्थी का खर्चा भी खन्ना को भरना पड़ेगा, समझा? डावला, लगता है तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले उस आईने को बदल जिसमें तू अपनी शक्ल देखता है। साले प्रिंसिपल के खून में इतनी गर्मी है? बेटे कभी मेरे लपेटे में आ गया ना तो ऐसे ही रुमाल की तरह निचोड़ दूंगा श्यामे। तुम्हें हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। शराफत का जमाना नहीं रहा जिसे देखो कमजोर को सताने में लगा है। विजय, अगर खन्ना साहब डाबला से झगड़ा करना नहीं चाहते तो तुम क्यों टेंशन लेते हो? बात एक खन्ना की नहीं है प्रिया, बात है असूलों की। चूंकि हम सर झुका देते हैं डाबला जैसे कुत्ते सर उठाने की हिम्मत करते हैं। अब काली की बात है, देखो ना, काली कुछ गुंडों के साथ पूजा को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका जवाब तो मैंने दे दिया मगर वो कम था, ऐसे कमीने को तो काट कर फेंक देना चाहिए। विजय, मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है। अब छोड़ो भी गुस्सा, मुस्कुराओ। कम ऑन, मुस्कुरा दो ना प्लीज। यार मैं तो नर्वस हो गया था। अरे एक अकेले तुम्हारे भाई को ही देखकर मैं डर गया था, तो फिर तुम्हारे घर वालों के सामने मैं कैसे बोलूंगा? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, तुमसे मिलके वो सब बहुत खुश होंगे। हाँ मगर मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा? अच्छा तुम्हारे डैडी का नेचर कैसा है? भाई जब तुम्हारा नाम सुना था तो लगा था कि तुम बहुत बड़बड़ करने वाले बातूनी लड़के हो, लेकिन तुम तो बड़े शर्मीले हो। जी ये बात नहीं है, वैसे मैं बोलता बहुत हूँ मगर आकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई। ससुराल जगह ही ऐसी होती है। क्या बात है बहू,
विकास अभी तक नहीं आया? जी वो फोन आया था, किसी अर्जेंट केस के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा, देखो राजा यहाँ बातचीत में कंजूसी चल सकती है लेकिन खाने में नहीं। जी इस मामले में तो मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। जी आप भी तो कुछ खाइए ना सर। अरे प्रिया हाथ चला लोगी, लाओ मुझे दो, मैं निकालती हूं। मैं करती हूं ना। करने देना उसे, तू तो घर छोड़ के चली जाएगी, बाकी घर का काम तो इसी को संभालना है बाद में। ओ भाभी जयपुरी दे क्या? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे जा ना, चल जा। भाई राजा तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अपनी बेटी की पसंद अच्छी लगी। इसने मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। इसने नहीं पिताजी, मैंने। हाँ क्यों भाई, तुम इस बात का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि सबसे पहले सिग्नल मैंने ही दिया था ना। क्यों? और आपको तो देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, पता नहीं था कि रिश्ते की बात लेकर आए या मेरी धुलाई करने। हमें तो पूजा की बहुत फिक्र थी, अब तुम दोनों की शादी साथ साथ करेंगे। क्यों पिंकी, कैसी लगी आंटी? अच्छी है लेकिन हंसती नहीं है। अब बस करो, घर नहीं जाना क्या? रात बहुत हो गई, लगता है बारिश आने वाली है, अब जाओ। विजय। जी भाभी। जी भाभी जाओ, प्रिया को घर छोड़ दो। ठीक है भाभी, अगर आप कहती है तो। अच्छा आप कहती है तो मारूंगी एक। जा छोड़ गया, चलो जाओ। बाय भाभी। बाय बाय बाय। चलो रोटी बनाते हैं। शाबाश। क्या हुआ? शिट। जाने जा ना 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 आ जा जाने जा ना 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 बरसे घटा महके हवा ऐसे में तड़पाना आ जा जाने जा ना 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 आ जा जाने जा अरे ना 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 जाने दे जाने जा ना 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 अरे आ जा जाने जा अरे ना 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 जाने जा जाने जा ना 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 ना
जाने जा ना 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 मैं पूछता हूं ये अदालत ये पुलिस स्टेशन हम गरीबों के लिए है या नहीं? आज 6 महीनों से आप मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ सके हैं जबकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि काली ने उसे मारा है। अबे बुड्ढे तेरा दिमाग फिर गया क्या? तेरा बेटा गर्दुल्ला था नशे में टेरेस से गिर कर मर गया बस। हाले फुकट पुलिस का टाइम खराब मत कर। अगर तेरे पास काली के खिलाफ कोई गवाह है सबूत है तो ला। कहां से लाऊं गवाह? खरीद रखा उसने सबको जिस तरह उसने तुम्हें खरीद रखा है। पांडे कोशी उठा के बाहर फेंक दो साले बुड्ढे को। अरे हाँ तुम हम लोगों को बाहर ही फेंक सकते हो रिश्वत खाने वाले। निकल बुड्ढे चल। हाँ निकलता हूँ। यहाँ मुझ जैसे गरीबों की कोई नहीं सुनेगा। क्या सुनवाई होती उन गुंडों की जो पैसा फेंक कर तुम जैसे तुम खरीदते हैं। अबे चल। अरे भाई कहीं चोट तो नहीं आई? जरा संभाल कर चला करो प्रिंसिपल साहब। अरे साहब यहाँ तो संभाल कर चलने वाले कोई चोट लगती है। अब देखिए साहब ये पुलिस वाले 6 महीने हो गए मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ सके क्योंकि इनके पास गवाह नहीं है। अब मैं गवाह कहां से लाऊं साहब? साहब साहब आप तो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप मेरी मदद कीजिए। आप तो जानते हैं साहब काली ने ही मेरे बेटे को मारा है। आप चलकर गवाही दे दीजिए साहब। आप चलकर गवाही दीजिए प्लीज। आइए ना साहब। देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं। आप भी उनकी तरह बोलने लगे? अरे आपका नाम तो सत्य प्रकाश है, सत्य पे रोशनी डालने वाला, और आप ही झूठ का सहारा लेने लगे तो आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आदर्श विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे गुंडे और मवाली। और ये डाबला जैसे लोग हैं ना देश की नींव को खोखला करने वाले, उनकी ताकत बढ़ाएंगे। अच्छा हुआ मेरा बेटा मर गया। अगर वो जिंदा रहता ना तो मैं अपने हाथों से उसे मार देता क्योंकि उसने तुम्हारे हाथों तुम्हारे कॉलेज में शिक्षा पाई थी। तुम समझने की कोशिश करो। समझता हूं सब समझता हूं। समझे नहीं है तो आप, क्योंकि मेरा बेटा मारा गया है आपका नहीं। मेरे बुढ़ापे का सहारा एक गुंडे के हाथ से मारा गया है आपका नहीं। जब आपके घर में घटना घटेगी और आपकी आंखों के सामने आपकी औलाद तड़प तड़प कर जान दे देगी तब आपको आपके नाम का मतलब समझ में आएगा मिस्टर सत्य प्रकाश सक्सेना, और तब मालूम होगी बाप की पीड़ा। बंग 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 बंग। ओहो मुन्ना वो आ रहा है हमारा शिकार। शिकार चुन्नी। ये क्या है? छोड़ो मेरा दुपट्टा। छोड़ दूं? ए मुन्ना छोड़ दूं क्या दुपट्टा? अरे छोड़ दे वरना जमाना बदनाम कर देगा बेचारी को। देखो मैं कहती हूँ छोड़ दो नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए फोकट में इतनी लाल पीली काय को होती है? तूने मेरा दिल ले लिया, अपन ने तेरा दुपट्टा। हिसाब बराबर के नहीं सही है ना? मैं प्रिंसिपल को बुलाऊंगी। प्रिंसिपल को? क्या कर लेगा प्रिंसिपल? कर क्या लेगा? डिसिप्लिन समझा? बस बहुत हो गया। अब तुम अपने बाप के नाम पर और गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अपनी भलाई चाहते हो तो इसी वक्त कॉलेज के हाथ से बाहर चल जाओ। तूने काली पर हाथ उठाया, डाबला के लड़के पर। मैं तुझे देख लूंगा। And get out! I say get out! Go to your class. मेरे को निकाला साला, कॉलेज से निकाला मेरे को तमाचा मार के। बहुत ताकत है साली की हड्डियों में, पुट्टी हड्डियों में। मैं उस प्रिंसिपल की लाइफ की वाट लगा डालेगा। कल कॉलेज से लौटते ही उठा लेते हैं साले को। नहीं मुन्ना नहीं। उसको क्यों? अरे उसको क्या मारने का? उसने सबके सामने अपनी इज्जत निकाला,
अभी अपन उसका इज्जत का पुंगी बजाएगा। पप्पू 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 ए का अपन ऐसा पोस्टमार्टम करेगा ना, ऐसा पोस्टमार्टम करेगा कि वो प्रिंसिपल है ना, वो चद्दर लिए गली गली में अपनी इज्जत को ढांकता फिरेगा। ए बचाना है, लिखा पड़ा आदमी अपन को इज्जत है, बचाना है बचाना है। तभी है ना उसको पता चलेगा काली को छेड़ने का अंजाम। ले ले चल साली को ऊपर। ऊपर चलो, प्रिंसिपल ऊपर है, चलो क्लास में चलो, क्लास लेते हैं तुम्हारी। मैंने तेरे को इसके लिए नहीं मारा कि तूने उस लड़की का फुल ऑफ कर दिया। अरे ऑन ऑफ तो अपने काम में होता रहता चलता है, लेकिन ये काम तूने समझदारी से नहीं किया, इसके लिए मैंने चाटा मारा तेरे को। क्या तू उसको कारखाने में नहीं लेके जा सकता था? अपना फार्म हाउस ही था क्या? माफ करना, गलती हो गई बाप। तू बाप मत बोल मेरे को बाप मत बोल। देख मैंने भी जवानी में ना बहुत बाटलियां खोली है, लेकिन पुलिस को खबर भी नहीं मिला कि बाटली किधर है, ढक्कन किधर है। अरे साला शिरके का मुंह तो खुला ही रहता है, न जाने कितने रुपये का बूछ लगाना पड़ेगा साले के मुंह में। काय को डांट रहे हो बेचारे को? लो आ गया ना सूंघता हुआ। आ शिरके आ, क्या किया वो लाश का तुमने? सब हो रहा है डबला भाई, सब हो जाएगा जैसा हम चाहेंगे। अरे काली तो मेरे बेटे जैसा है। अच्छा तो इसके दूसरे बाप का सस्पेंस आज खुल गया। अरे छुगाने में बोला करते थे कि किसी अड़ियल टट्टू के बगल में खड़े रहना
लेकिन पुलिस वाले के बगल में मत खड़े रहना। आपके छुगानी भाई को शायद एक बात मालूम नहीं था डाबला सेठ, पुलिस वालों के बगल में कोई खड़ा नहीं रहता, अच्छा पूरा टाइम खड़ा कर देता है बगल में। बरोबर, बरोबर बोला तू। चल अभी बोल, कितना रुपए का बूछ लगाना पड़ेगा कानून को? यह बात मर्डर की है, किसी की जिंदगी की। जिंदगी? वो लौंडिया की जिंदगी? उसकी नहीं तो? काली की जिंदगी की, मर्डर के सेना। अब जो फंदा काली के लिए तैयार हुआ है उसके लिए मुंडी भी तो चाहिए ना, अब तो समझ गए होंगे। हाँ समझा समझा। सौदा थोड़ा महंगा पड़ेगा है। लड़की का नाम? पूजा। उमर? 20 साल। तुमको किसी पे शक है? घर से कभी भागी थी? नहीं। कोई लड़के का चक्कर तो नहीं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? नहीं बेटा, नहीं। अभी तुम लोग पुलिस का मदद नहीं करेगा तो पुलिस तुम्हारा कैसे करेगा मदद? मैं समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर, इस जांच पड़ताल का मतलब भी जानता हूँ। मेरी बेटी के कातिल को पकड़ने की बजाय आप उसी पर कलंक लगा रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर ऐसा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस मेरी बेटी की लाश, मेरी बेटी की लाश मुझे सौंप दीजिए। साहब, कातिल पकड़ा गया। साले ये बोल, तूने ही पूजा के साथ बलात्कार किया और तेरी हाथों से वो मारी गई, कबूल कर साले। नहीं नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, पूजा का खून मैंने नहीं काली ने किया है। मैं तो उसे बचाना चाहता था इंस्पेक्टर, मैं तो उसे बचाना चाहता था। साला अभी तक कबूल नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर कबूल करेगा। विजय, विजय, पूजा का खून मैंने नहीं किया, विजय मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ विजय, मैं बेकसूर हूँ। ये तो काली और उसके गुंडों ने पूजा की इज्जत के साथ और उसका खून कर दिया विजय, और ये इंस्पेक्टर साहब मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लो विजय। अबे चुप है साला, फोकट में शरीफ लड़के का नाम बदनाम कर रहा है साले। वाह इंस्पेक्टर, अच्छी ड्यूटी निभा रहा है तू, तो तू टाबला से मिली पोटियों का ऐसे हिसाब चुकाता है? ए, क्या बोलता है रे तू? जबान संभाल कर बात कर, ये पुलिस स्टेशन है। अरे जानता हूँ ये पुलिस स्टेशन है, और जानता हूँ कि यहाँ के फाइलों में तस्वीर सिर्फ बेकसूर और बेबस लोगों की होती है, और यहाँ के लॉकअप में सिर्फ कमजोर लोगों को डाला जाता है। अरे ये तो कोटे से भी बदतर जगह है इंस्पेक्टर। तू अबे ज्यादा बकवास की तो तेरी जबान खींच लूंगा। अरे मेरी बहन के असली कातिलों को छोड़कर तू इसमें मरदान की जता रहा, साले डाबला के कुत्ते। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, मेरी बहन की मौत का बदला तुझे भी चुकाना पड़ेगा, तुझे भी चुकाना पड़ेगा, समझा? तुझे भी चुकाना पड़ेगा इंस्पेक्टर। अच्छा किया तूने, अब तू भी कानून के लपेटे में आ गया। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, अभी तो पूजा की चिता तक ठंडी नहीं हुई, और उधर विजय ने पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया, उसने बात बहुत बढ़ चुकी है। तो अब क्या हो सकता है ये बताओ, ऊपर के अधिकारियों से मिलकर कोई रास्ता तो निकालो। कल मैं कमिश्नर साहब से मिलता हूं, देखो क्या होता है। पता नहीं वो इंस्पेक्टर शिरके इस केस को कौन सा रूप देते हैं।
साले की चमड़ी बहुत मोटी है, उसको तो काम लगाना पड़ेगा। काम लगाना मालूम है ना, काम लगाना है। राम नाम। नहीं इंस्पेक्टर। सत्य है बाबा, सत्य है। इंस्पेक्टर। कल के अखबार में एक हेडलाइन छपेगी, एक बलात्कारी गुंडे ने लॉकअप में आत्महत्या कर ली। तू ऐसे नहीं करेगा इंस्पेक्टर, तू ऐसे नहीं कर सकता। नहीं। क्यों नहीं कर सकता भाई, वो लड़का हमेशा भग रहा था, लौंडिया मेरी जिंदगी। जब जिंदगी ही नहीं बची तो उसके जीने का क्या मतलब। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, नहीं, अरे होश में आ इंस्पेक्टर, ये खून तुझे बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर, बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, उसे छोड़ दो। खून कर दिया तूने इसका, अरे इसके बयान से तो मेरे बहन के कातिले को सजा मिल सकती थी। चल रहा है तू, इंसाफ की इस चौखट को तूने बदनाम किया है। ले जाओ सारे को, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। बंद कर दो सारे को। नहीं। मैं चाहूं तो तेरा काम अभी लगा सकता हूं, लेकिन एक ही रात में एक ही पुलिस स्टेशन में दो लोगों की आत्महत्या, नहीं काम जमेगा नहीं, पंगा हो जाएगा। पाप का किनारा रंग मैं तेरी आंखों में देख रहा हूं इंस्पेक्टर, ये रंग मौत का ऐलान है। तो ही नहीं तो जैसे हर पापी का अंत अब बहुत ही नजदीक है। क्या बे हरामी की औलाद, इस बार तू किसे मार खा रहा था? मार खा रहा था, किधर खा रहा था? मैं तो है ना इस बार पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर वो साले विजय को धोड़ा था। वो तो अच्छा हुआ राइट टाइम पे अपन का आंख खुल गया, नहीं तो है ना अपन उसको टपका ही डालता। बाप बाप मत बोल मेरे को, तू बाप मत बोल, ऐसा लगता है जैसे कोई पान खा के मेरे मुंह पे थूक रहा है। जब देखो बाप मत बोल, बाप मत बोल, अब बाप को बाप नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? चुप कर यार। साला मुझे तो शक है कि तू मेरी ही औलाद है या साला इंजीनियर से डर रहा है, हा? उसका तो डाबला जिंदगी भर काल कोठरी में बिल्डिंग बांधने को जा रहा है। बाप
सलाम डाबला सेठ। ये क्या उलिया बना दिया है पुलिस स्टेशन का, हैं? कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया लगता है। हमारे छुगानी भाई होते तो बोलते के बाजार में शंख बजाने वाली बात हो गई है। क्या शिरके, अब ये तेरे पुलिस स्टेशन में जो तोड़फोड़ हुआ उसका कंप्लेन तो कौन से पुलिस स्टेशन में करेगा रे? आप फिक्र मत करो डावला सेठ, ये बचेगा नहीं, लंबी लगेगी साले को, मैं हूं ना। अबे अपनी चोंच बंद कर और पुलिस स्टेशन के बाहर मत निकलना, बीच वाले देखेंगे ना तो गाना बजाने को लेके जाएंगे, बीच वाले समझता है ना? क्या मजा आ गया ये जो तोड़ा फोड़ा ना वो देख के मजा आ गया। क्या हुआ फायदा, फुकट में पुलिस वालों के जेवर पहनने पड़े ना। क्या बोला था तूने मेरे को, मैं मेरे घर का आईना बदल दूं? अरे बेटे यहां पे डाबला की हुकूमत चलती है और डाबला के दरबार में सबका हिसाब किताब होता है, समझा? तो तू अपने पापों का हिसाब भी लिखवा ले डाबला, क्योंकि यहां से निकलने के बाद मैं तेरी हुकूमत जट से उगाड़ के फेंक दूंगा। शेर के सामने गीदड़ भपकी। अब तक तेरा मुकाबला बुजदिलों से हुआ है डाबला, जब सामना इस मार्स से होगा ना तो तेरी ये शेर बनने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। डाबला की तरफ हाथ उठाने वाले को डाबला 6 फुट जमीन में नीचे उतार देता है। तो फिर अपनी और अपने बेटे की कब्र खुदवा ले डाबला, क्योंकि मेरे यहां से निकलने के बाद शायद तुझे ये मौका ना मिले। खून बहुत गर्म है यार। ए शिरके, तूने क्या बोला था इसको कितने साल की लग सकती है? अभी तो दफा 324 और 325 के तहत 6 महीने की लगेगी। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करके साल भर की लगाऊंगा। 3 साल की नहीं लग सकती है क्या? दफा 326 भी साथ होए तो हो जाएगी। 7 साल की दफा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर ये 14 साल की कब लगती है यार? 14 किसी का खून करने के बाद। अच्छा ये अगर खून करे तो? हाँ। नहीं तो नहीं। ये आपने क्या किया? मैंने किया? हाँ? मैंने कहा किया, ये तो इसने किया। मैंने नहीं, इसने हवालदार पे हमला किया, उसका खून किया, फिर तेरे पे हमला किया, ये सब इसने किया। अब बोल कितनी लगेगी अभी उसको, बोल। वाह डाबला सेठ वाह, क्या शैतानी खोपड़ी से कानून निकाला है। अब तो साले को सीधा फांसी लगेगी। फांसी? फांसी नहीं, फांसी नहीं। अगर डाबला चाहता ना तो ये तेरे अंदर भी घुसेड़ सकता था, लेकिन नहीं, तेरे को तो जिंदा रखना है जेल में, वो भी 14 साल। 14 साल तक ये काल कोठरी में सड़ते रहना और डाबला के नाम की माला जपते रहना। अरे 14 साल क्या, अगर मुझे 14 जन्म भी लेने पड़े ना तो मैं तुम पापियों का सर्वनाश करके रहूंगा। तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता डाबला, अपनी मौत से नहीं भाग सकता। तुमको क्या हो गया चाइल्ड, क्या कंडीशन बना लिया अपना? अरे ऐसे खाना पीना छोड़ देने से विजय वापस आ जाएगा क्या? आंटी ये सब झूठ है, विजय ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। नहीं बेटा नहीं, देखो ऐसा तुम हिम्मत हारेगा तो कैसा चलेगा? अब उसका घर का लोगों का हालत पर ऐसा छुएगा ना, फिर उनको कौन संभालेगा? हाँ कोर्ट पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। और फिर तुम फिकर क्यों करता है?
उसका भाई है ना, वो जरूर कुछ करेगा। विजय, 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 मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? विजय तो कुछ बोलता क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, क्या है, क्या चीख रहा है? एक आम आदमी चीखने के अलावा और कर भी क्या सकता है? उसे और कुछ करने की जरूरत भी क्या है? करने कराने का काम हमको दिया गया है। यही काम दिया गया है तुझे, एक बेकसूर को बांधकर पीटने का काम? अरे अगर मर्द है तो गुनाहगारों को पकड़ और डाल इन सलाखों के पीछे। डाल सकता है तू, बांध सकता है डाबला के हाथ? ऐ सत्य प्रकाश, अपनी जबान को लगाम दे बुड्ढे। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो सत्य को बांध सके। थक जाओगे इंस्पेक्टर, लेकिन सत्य की जुबान को लगाम नहीं दे सकोगे, क्योंकि तुम उन गुंडों से भी ज्यादा पाप के भागीदार हो। सरकार का ये बिल्ला लगाकर गुनाहों का कारोबार करते हो तुम। जिस देश के सैनिक ही लूटमार पर उतर आए हो, उस देश के भविष्य पर तरस आता है मुझे। लेकिन एक बात मत भूलना इंस्पेक्टर, जुर्म की चट्टान को क्रांति की लहरें टकरा टकरा कर तोड़ देती है, समझे कुछ? पिताजी, इतनी रात को? एक लाचार बाप देर से आने के सिवाय और कर भी क्या सकता है? और हौसला रखिए पिताजी, हौसला रखिए। यह समस्या सिर्फ हमारे ही घर की नहीं, इस शहर में ऐसे हजारों घर होंगे जो इस वक्त ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। हमें भी इसका सामना करना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। किस रास्ते की बात कर रहे हो तुम? किस रास्ते की? यहां के तो सारे रास्ते सिर्फ गुनाहों के दलदल में जाकर खत्म होते हैं, फिर कौन सा रास्ता निकालोगे तुम? मुझे तो इस घनघोर अंधेरे में उजाले की कोई किरण नजर नहीं आती। तीन बत्ती वाला क्लब सेठ, उधर भी पुलिस ने बहुत लफड़ा किया, मुन्ना और नारायण को भी पकड़ के ले गई। ये साला कुलकर्णी कहां से ट्रांसफर होके आ गया यहां पे? जरा शिरके को फोन लगा, पता तो चले उसकी ईमानदारी का रिकॉर्ड क्या है। न जाने कितने लाख का बूछ मारना पड़ेगा साले के मुंह में। हेलो कोतवाली पुलिस स्टेशन, नमस्कार। हां टाबला सेठ, पता चला पता चला। नहीं, अब जो हुआ सो हुआ डबला सेठ, कर ही क्या सकते हैं। नहीं, मैं आपसे मिलकर बात करता हूं। हाँ, हाँ, ओके। सर, आपको एसीपी साहब ने फॉरेन सीआईडी ब्रांच में बुलाया है। सला ऊपर वालों को काय को मस्ती आती है मालूम ने, अच्छा खासा चल रहा था, फिर काय को एसीपी के ट्रांसफर यहां करने का। अभी साला बहुत लफड़ा होगा। लफड़ा तो होगा ही। सर आप? कानून के रखवाले अगर गैर कानूनी काम करने लगे तो लफड़ा तो होगा ही। नहीं सर, हम लोग तो यहां बराबर ड्यूटी कर रहे हैं।
मैं जानता हूं इस वर्दी के आड़ में तुम अपनी ड्यूटी कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हो। वो सारे गैर कानूनी धंधे जो तुम्हारी मौजूदगी में बंद होने चाहिए वो पूरी आजादी के साथ हो रहे हैं, और तुम कहते हो ड्यूटी निभा रहे हो। सर वो क्या है कि वो जस्ट शट अप। अब तक तुम इस वर्दी की अहमियत को समझ नहीं पाए हो शिरके, क्योंकि तुम एक ऐसी दिमक हो जिसने इस पुलिस स्टेशन की दीवारों को इतना खोखला कर दिया है कि कोई मामूली सा लड़का इसे तोड़ सकता है। इसलिए आज के बाद अगर किसी गैर कानूनी धंधा करने वालों को तूने पनाह दी तो इस वर्दी के वजन को अपने कंधों पर उठा नहीं पाओगे तुम, समझे? और हां, उस विजय सक्सेना को मेरी कस्टडी में ट्रांसफर करवाओ। इस केस में कितनी सच्चाई है इसकी तहकीकात अब मैं करूंगा। तुमने यह गलती दोहराई तो खुद को मुश्किल में डाल दोगे, समझे? उस लड़के की फाइल मंगवाओ। यस सर। मैं विकास सक्सेना हूं, विजय का बड़ा भाई। बैठिए। थैंक यू। कहिए मिस्टर विकास। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं सर कि मेरा भाई बेकसूर है, उसने यह खून नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। देखिए मिस्टर विकास, हर अपराधी के सगे संबंधी की जुबान पर हमेशा यही बात होती है कि हमारा यह आदमी बेकसूर है। आज तक आपने अपने बेटे भाई या बाप को हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाए हैं कि यह गुनहगार है, खूनी है, इसे पकड़ लो? नहीं ना। मगर सर मैं विजय के बारे में। देखिए मिस्टर विकास, पुलिस के हर मामले में थोड़ी सच्चाई थोड़ा झूठ तो होता ही है, झूठ के सहारे के बिना मामला तो बनता ही नहीं। बाकी अब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने इस केस की फाइल मंगवाई है। आपसे हमें इंसाफ की उम्मीद है सर, इंसाफ की। कोशिश करते हैं। खाना खाया इसने? नहीं साहब। क्या रे, लॉकअप में मरने का इरादा क्या तुम्हारा? देखो खाना पीना छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। सुन रहा है कि नहीं तू? पक्का हलकट है साहब, मुंडी तक नहीं हिलाता, अंदर जाने को बहुत डर लगता है। अरे तू जानता है ना ये सब आदमी मेरे कितने काम के हैं, अगर सब बंद हो गए तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो कुछ भी कर, इससे पहले कि उनको कोर्ट में खड़ा किया जाए सीआईडी ब्रांच से सब फाइल उड़ा दे। 35 लोगों का स्टाफ रखा है उधर, एक एक आदमी कुलकर्णी ने चुन चुन कर रखा है, उनके बीच से फाइल उड़ाना आसान काम नहीं है। अरे तो 35 लोगों को हजार हजार रुपए का बूछ मारकर फाइल लेकर आना। मेरे गले से विस्की तक नहीं उतर रही है और तू साला हंस रहा है। मुझे वो आपके छुगानी भाई याद है,
क्या बोला था उन्होंने? हाँ, सांप को दूध पिलाकर पाल लेना, लेकिन पुलिस वालों को दारू पिलाकर मत पालना। छिड़के तो डाबला को भी अच्छी तरह जानता नहीं है। मैं जिसे दारू पिलाकर पालता हूं ना, उसे निचोड़ने का तरीका भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। डाबला सेठ, कानून से खेलना अच्छा नहीं। अरे काय का कानून रे, उसे तो तुम जैसे दल्लों ने रखेल की चारपाई से भी नीचे गिरा दिया। डाबला सेठ, वे चिल्ला के बात नहीं करने का? आज साला तेरा बाप आ गया तो घुंघरू पहन के मुजरा करता है वहां पे। अरे तेरे से नहीं होता तो बोल मेरे को, मैं खुद निपट लूंगा उससे। चल जा, चल जा, जा। चल साले। सलाम साहब, मैं शराफत, डाबला सेठ ने भेजा है आपके पास, और ये फ्रेंडशिप का टोकन। बाकी हफ्ते का बात है ना, वो सेठ आकर खुद नकी कर लेगा। क्या नाम बताया आपने? शराफत साहब, मेरा काम यही है आप जैसे साहब लोग का ड्यूटी बजाना। ये तो असली है? जी हाँ, असली है। सादे, शराफत, तेरे जैसे शरीफ लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है मुझे। अब बता दे मुझे, ये असली है या नकली है? बता दे मुझे, बता, असली है या नकली है? बता, बता दे मुझे, असली है या नकली है? बता दे मुझे। डाबला के कुत्ते पुलिस को रिश्वत देता है। उठ। मैं चाहता तो इसे 6 महीने की लगवा सकता था कि शराब पीकर इसने ऑफिस में लफड़ा किया। अच्छा, क्या रे, मेरा 800 रुपये का तू ही गटक लिया? तू तू पी के गया था क्या साहब के सामने? नहीं, वो साहब ने जबरदस्ती पिला दिया। क्या बात करता है, तेरा मतलब है साहब ने तेरे को ऑफिस में? चल चल चल, ये बन के पेड़ा खाते, चल चल। जाता हूँ, चिल्लाते क्यों? अरे साहब, आप खड़े क्यों हैं? आओ बैठो ना, बैठो। मैं तुम्हारे साथ गपशप करने नहीं आया हूं डाबला, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके तुम्हारे बचे कुचे जुए खाने, शराब खाने और जितने भी काले धंधे हैं बंद हो जाने चाहिए। हो जाएंगे साहब, सब बंद हो जाएंगे। उसमें क्या है, पहले पुलिस खा रही थी तो चल रहे थे, अब पुलिस का पेट भर गया है तो बंद हो जाएंगे। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, पुलिस का दादागिरी ना। तुम्हें अभी तक पुलिस की सही पहचान नहीं हो पाई है डाबला, जिन्होंने तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठाए हैं ना, वो पुलिस के नहीं कुत्ते की जमात के होंगे। हमारे छुगानी भाई करके थे, उनका ये कहना था कि जब सामने वाला गरम होता ना तो खुद को नरम रहने का। हमको तो आप जैसे कड़क साहब लोगों का स्टाइल मालूम है, पहले बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, बाद में बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं। बोलो ना साहब, कैसा चाहिए, हफ्ते में चाहिए, महीने में चाहिए, बोलो ना। पहले तो तू ये सोच कि मेरे होते हुए इस शहर में तू एक महीना भी निकाल पाएगा। अगर तुम्हारे काले धंधे बंद नहीं हुए तो तेरा ये सारा टिन टप्पड़ किसी कबाड़ी की दुकान में पड़ा होगा और तू अपने आदमियों के साथ जेल में। साला, ऐसे लोग भी है क्या पुलिस में? खोलो इसे। चार्जशीट तो भेज दी हमने तुम्हारी, और जल्दी तारीख का पता चल जाएगा। वैसे तो फैसला पहली तारीख में ही होना है, फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो पक्की समझो। वैसे मैंने तुम्हारा केस देखा है, बहुत कमजोर है, मुझे नहीं लगता कोई वकील तुम्हें कोर्ट से बचा पाएगा। हालांकि तुमसे जो हुआ मैं उसे पूरी तरह से गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि तुमने अपनी बहन के कातिल को देख लिया, तुम्हारी आंखों में खून उतरा और तुमने उसे मार दिया। मगर राजा के लिए तुम्हारे दिमाग में जो एक गलत फहमी पल रही है
कि राजा ने बलात्कार की कोशिश में तुम्हारी बहन का कत्ल किया। अरे पूजा तो राजा के मंगेतर थी, जल्दी दोनों की शादी होने वाली थी, यह सच है। मगर यह भी सच है कि राजा के हाथों पूजा का खून हुआ। राजा ने पूजा का खून क्यों किया? उसने अपने मंगेतर की जान क्यों ली? पूजा को दिलो जान से चाहने वाला उसकी जान का दुश्मन बन गया, कैसे? अरे राजा की जगह कोई भी लड़का होता तो यही करता, क्योंकि कोई भी लड़का यह नहीं चाहेगा कि उसकी मंगेतर किसी और लड़के के साथ नाजायज संबंध रखें। मिस्टर विजय सक्सेना, आपकी बहन एक गिरी हुई बच्चलन लड़की थी। अगर एक भी लफ्ज मेरी बहन के बारे में कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बहन बच्चलन नहीं थी और ना ही राजा ने उसका खून किया था। राजा तो एक गवाह था जिसे बेरहमी से लॉकअप में मार दिया गया, और जब मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे। मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं विजय, मुझे यकीन है तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मगर कोर्ट में सिर्फ तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा, गवाह और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और वो काम मैं जल्द ही करने वाला हूं। मुझे माफ करना विजय, तुम्हारी खामोशी तोड़ने के लिए मुझे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे मामला और उलझ जाए। ओके, हेलो कोतवाली पुलिस स्टेशन, कामत जी है? जी हाँ। बात कर सकती हूँ? जी हाँ, एक मिनट। कामत? यस सर। तुम्हारा फोन है? हाँ हेलो। हेलो, मैं सावित्री बोल रही हूँ। बोलो सावित्री। मीना अभी तक घर नहीं पहुँची, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हो सकता है अपनी किसी सहेली के घर गई हो, तुम फिक्र मत करो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। सावित्री, क्या हुआ, कुछ पता चला? सब तरफ गया, कॉलेज में पूछा, उसकी सहेलियों के घर भी गया, पर कुछ पता नहीं चला। वो कह रही थी कि मीना कॉलेज से 4 बजे ही घर चली गई थी। कैसे पुलिस वाले हो, बेटी गायब है और तुम पता भी नहीं लगा सकते? अरे पुलिस वाले की बेटी है तो क्या हुआ, उसके मुंह पे लेबल थोड़ी लगा है पुलिस वाले का, अब भगवान जाने कहां गई होगी। बेटी, अरे ये क्या हो गया है तुझे, कहाँ चली गई थी? तुझे मालूम है जवान बेटी जब घर देर से आती है तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है, बोलती क्यों नहीं, कहाँ चली गई थी? मैं बताता हूँ ये कहाँ थी। कामत, अगर आज मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होता जो मेरी बहन के साथ हुआ था। क्या? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जब एक जवान बेटी घर देर से लौटती है तो क्या बीतती उसके माँ बाप पर, तो उस बाप पर क्या बीती होगी जिसकी जवान बेटी का बलात्कार करके उसे मार दिया गया और इल्जाम उसके प्रेमी के सर पर मढ़ दिया गया। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसके जवान बेटे को एक हवलदार के खून के झूठे इल्जाम में फंसाया गया। क्या बीती होगी उस भाई पर जिसके एक तरफ उसकी बहन की चिता की आग ठंडी हुई और दूसरी तरफ उसके भाई के लिए एक फांसी का फंदा तैयार रखा। कामत, मेरी बहन पूजा उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में तुम्हारी बेटी जाती है। उसे बच्चलन कह के बदनाम किया तुम्हारे डिपार्टमेंट ने। नहीं बाबा, राजा और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर राजा पूजा का खून कैसे कर सकता है? मीना, ये अच्छी तरह जानते हैं कि पूजा का खून राजा ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान पर रिश्वत का ताला लगा लिया है। मानता हूँ कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? बाबा, आज तक मैं आप पे गर्व करती थी, आप पुलिस वाले हैं, आज आपको बाबा कहते हुए शर्म आती है। बस कर बेटी, बस कर, मैं मजबूर था आज तक,
लेकिन विकास बाबू, आपने मुझे इस दलदल में धंसने से बचा लिया। मैं गवाही दूंगा, मैं सच्चाई बता दूंगा एसीपी साहब को। जल्दी में है क्या? कहां जा रहा था? एसीपी साहब के पास बयान देने? मेरे तब कुछ पता है, तेरे अंदर सत्यवादी हरिश्चंद्र की आत्मा जो घुस आई है ना, मैं तेरी आत्मा को उस परमात्मा से मिला ही देता हूं। नहीं नहीं, नहीं!
सुनो, आज कोर्ट में विजय सक्सेना, दिलीप गुलाटी, दामोदर ठाकुर, अरुण शिंदे और देश पांडे की केस की सुनवाई है। मैं चाहता हूं इन सब कैदियों को तुम पूरी हिफाजत के साथ अपने निगरानी में कोर्ट तक ले जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके सर। ध्यान रहे, ये सब बहुत खतरनाक कैदी हैं, इसलिए पूरी होशियारी के साथ जाना होगा। बिल्कुल ठीक हूं पिताजी, और मुझे कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ बेटा, मगर मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तेरी भाभी हम सबको। मैं समझता हूं पिताजी, मगर भाभी के इस दूसरे रूप को देख पाना मेरे बस में नहीं है। पर बेटा अपना ख्याल रखना। तू मेरी फिक्र मत करना पिताजी, जब तक मैं डाबला जैसे पापी का सर्वनाश नहीं कर देता, मौत मुझे छू नहीं सकती। पिताजी अपना ख्याल रखना। विजय भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डाबला जैसे पापी और कांत किसी न किसी के हाथों तो होना ही चाहिए। इस शहर के मजलूम और बेबस लोगों की दुआएं आपके साथ हैं विजय भाई। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। छोड़ दो इसे, मार दे दो।
गुप्ते शिंदे, ये साहब मेरी जान के पीछे पड़ा है, तुम लोग संभालो और अगर अंदर आए तो गोली से उड़ा दो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सीके, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राम साजे। गुप्ते निकल गए, उड़ा डाल उसे, कालो लगा ताला, जल्दी जल्दी रे। हाँ अब देख अब कैसे मारेगा। चल चल चल, अरे रुक क्यों गए, उठा बंदूक और गोली मार दो उसे। खबरदार जो कोई हिला भी खोपड़ी पार कर दूंगा इसकी। क्यों कैसी लगती है मौत जो तेरे सर पे रखी हुई है? मौत का ख्याल बहुत भयंकर होता है ना। तुम लोग इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? शूट कर दो इसे, उड़ा दो। आज तक तुम इसके हाँ में हाँ मिलाते आयो और ये कमीना इस कुर्सी पे बैठकर डाबला की गुलामी करते आया है। मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, क्या कसम खाई थी तुमने ये खाकी वर्दी पहनने से पहले? हाँ मैं पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। तू बोल, तू तो सब इंस्पेक्टर है, सीनियर है, अफसर है इनका, तू बोल बोल, क्या फर्ज है पुलिस का? बोल वरना। रक्षा। किसकी रक्षा? कानून की रक्षा। और जनता के जान माल की रक्षा। और देश की रक्षा। तो तुम रक्षक हो, रक्षक हो। अरे इस जगह का मतलब समझते तुम लोग? यहां आम आदमी एक विश्वास लेके आता है, वो तुम लोगों को भगवान की जगह पे बिठाकर तुमसे इंसाफ मांगने आता है और तुम लोग उसके विश्वास का खून करते हो। मैं चाहूं तो ये सारी गोलियां इसके सीने में उतार सकता हूं, मगर नहीं, मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूं अपने पापों के प्रायश्चित का। अरे इसने अपने साथ तुम्हें भी अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाया, बोलो बनाया कि नहीं, बोलो। अरे इसने मजबूर कर दिया तुम्हें अपने फर्ज के साथ गद्दारी करने के लिए और तुमने भेज दिया अपना जमीर इसके हाथ। अब मौका है तुम्हारे हाथ, मिटा दो पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे लगे हुए भट्टे को। अरे सालवी का असली कातिल डाबला नहीं, ये उठाओ। तुम तो ड्यूटी पे होकर तुम्हारे इंचार्ज की नहीं सुन रहे हो, इसकी सुन रहे हो? ये तो पागल हो रहा, पागल। तुम तो होश में हो? अरे गुप्ते होश में हो, उड़ाओ उसे। अब हम होश में आ चुके हैं शर्के, तुमने अपने साथ साथ हमें भी नामर्द बना दिया था। नहीं, नहीं, नहीं। जो कुछ भी हुआ बहुत शर्मनाक हुआ है। इस घटना ने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पर काली पोत दी है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ने ही पुलिस वाले का खून कर दिया। लेकिन सर, कोतवाली चौकी में कानून और इंसाफ की हिफाजत नहीं होती थी, वहां झूठ को शह दी जाती थी सर, सच्चाई का खून होता था वहां पर। सर, हमने एक पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा, शिरके एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो अपराधी था। पुलिस की कुर्सी पर बैठकर वो डाबला के लिए काम करता था। उसने हमें भी अपने रंग में रंग लिया था सर, हम सब तमाशाई बनकर उसके पाप के खेल को देख रहे थे। उस रात उसने हम सब के सामने हवलदार कामत को बड़ी बेरहमी से मार डाला सर, क्योंकि कामत उसकी असलियत आपके सामने खोलने वाला था। इतना सब होने के बाद भी आप कहते हैं कि हमने जो कुछ किया वो गलत किया? हमने जो कुछ भी किया है उस बात का हमें अफसोस नहीं है साहब, हमें नौकरी से निकाल दीजिए या जो चाहे वो सजा दीजिए, लेकिन एक बात की तसल्ली तो रहेगी, नौकरी में रहकर शिरके को मारकर एक नेक काम तो किया। मैं मानता हूं शिरके अपने पेशे का गलत इस्तेमाल कर रहा था,
शिरके का गुनाह एक गुनेगार से भी संगीन जुर्म था क्योंकि वो एक कानून का आदमी था, लेकिन आपसे जो कुछ भी हुआ जायज ही है। मगर कानून से जुड़ा हुआ हर आदमी अगर कानून को ताक में रखकर फैसले करने लगे तो कानून का वजूद ही खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम सजा हो, क्योंकि जुर्म आपसे हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आपकी मिसाल को दोहराया जाए। Thank you.
काली। कौन काली? कौन काली? कमाल है, डाबला सेठ के बेटे काली को नहीं जानती तुम? और साहब, काली साहब, डाबला भाई का दिल्ली से आपके लिए फोन था। दिल्ली से? हाँ, उन्होंने यही कहा कि जब तक मैं बंबई नहीं आता तब तक आप गोवा वाले बीच हाउस पर चले जाएं। और उस विजय ने अरे उस विजय ने क्या बाइकू फुटेज खाता है, बोलना। अरे उस विजय ने इंस्पेक्टर शिर्की को लुढ़का दिया है और अभी आपके पीछे है। तू क्या अपन को डराने लाया? तो उस विजय को मालूम नहीं अपन किसका लड़का है? डाबला सेठ, डाबला सेठ का। उस विजय ने आज तक दुनिया में इतना दिन नहीं देखा होगा जितना आदमी लोग को मेरा बाप ने दुनिया से लुढ़का डाले ला है, समझा क्या? सही है भाई, सही है। मेरा बाप आ रहा है ना? हाँ, वो तो आ जाएंगे। हाँ। फिलहाल अभी आपके जाने का बंदोबस्त कर दिया है भाई। कल सुबह आप सुल्तान भाई का ऑटो रिक्शा लेके चकनाके में चले जाना। रिक्शा में? हाँ, क्योंकि विजय साला अपनी सारी गाड़ियों को पहचानता है, इसलिए यहाँ से अभी कल्टी हो जाओ, चलो अपन चलें। हेलो। हेलो, मैं विजय से बात कर सकती हूँ प्लीज? हाँ, एक मिनट। हेलो। हेलो विजय। बोलो प्रिया। काली का पता चल गया है, वो कल अपने आदमियों को लेकर शहर छोड़कर गोवा जा रहा है। प्रिया, काली शहर जरूर छोड़ेगा, मगर जाएगा कहाँ उसका फैसला मैं करूंगा। भगा और तेज चला। जल्दी कर।
नहीं 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 मैं कुछ नहीं किया नहीं मैं सीबी कुलकर्णी, मुझे प्रिया से मिलना है। क्या हुआ आंटी? मुझे आपसे ही काम था। कहिए। मैं जानना चाहता हूँ विजय कहाँ है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें पता है वो कहाँ है। बिल्कुल पता है, वो बेबस मजबूर और लाचारों के दिल में है, उनकी दुआओं में है। दुआओं से सिर्फ स्वर्ग और नर्क के फैसले होते हैं, कानून के नहीं। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं जो खतरनाक खेल विजय खेल रहा है, जिसमें तुम उसकी मदद कर रही हो। वो उसे सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाएगा, कानून की हद से वो निकल नहीं पाएगा। कानून? मैं आपको और आपके कानून को अच्छी तरह समझती हूँ। आज डाबला की जिंदगी खतरे में है, तो उसे बचाने के लिए आप कानून का सहारा लेकर विजय को ढूंढते फिर गए हैं। तब कहाँ था आपका कानून जब उसकी बहन की इज्जत लूटी गई थी? कहाँ था आपका कानून जब उसके भाई को बीच रास्ते पर मार दिया गया था? और कहाँ था आपका कानून जब उस पर खून का झूठा इल्जाम लगाया गया था? क्या कसूर था मेरे विजय का? सिर्फ इतना कि वो एक सच्चा इंसान है और गुंडों के आगे सर नहीं झुकाना चाहता। देखो प्रिया, डाबला के खिलाफ हमने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, अभी भी वक्त है। विजय से कहो ये खून खराबा बंद करे और अपने आप को पुलिस के हवाले करे, वरना बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो 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 प्रिया प्रिया एक मिनट। हेलो जावकर। यस सर। मुझे यकीन है फोन किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से किया था। फौरन पता लगाओ किस किस टेलीफोन बूथ के पास रोड ड्रिलिंग का काम चालू है। यस सर। जाकर कुछ बताया इसने? नहीं सर, ये आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अरे जाइए ना साहब, बोला ना हमको कुछ नहीं मालूम। देखो, उस अपराधी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी मालूम है। बोला ना साहब, हमको कुछ नहीं मालूम, खाली फोकट आप अपना टाइम क्यों खराब करता है? सर ये सीधी तरह से मानेगा नहीं, हाथ पैर तोड़ देता हूं साले के। लो, तोड़ दो, दूसरा भी तोड़ दो। शायद एक अपंग को और अपंग बनाकर आप लोगों को अपना फर्ज निभाने की तसल्ली मिल जाए। तोड़ दीजिए मेरी ये दूसरी टांग भी। हो सकता है सरकार आपको इसके लिए कोई मेडल दे दे, कोई तरक्की दे दे।
अरे साहब, ये टांग मैंने सच्चाई और ईमानदारी के लिए गंवाई है। मैंने डाबला को उसके पाप में भागीदार होने से बिल्कुल मना कर दिया था, और बदले में उसने बड़ी बेरहमी के साथ तेरी ये टांग, और आप जैसे लोग डाबला जैसे लोगों को छूने की हिम्मत तक नहीं करते, बस ऐसे योद्धाओं की तलाश करते हैं जो डाबला जैसे राक्षसों का सर्वनाश करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन वो आपके हाथ नहीं लगेगा साहब, डाबला का अंत हो जाने तक वो आपके हाथ नहीं लगेगा। अरे आपके पास तो गोली और बंदूक की ताकत है, लेकिन उसके पास मुझ जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की दुआएं हैं। सर सुनाए, इसे और छेड़ने का मतलब है कि हम इससे कई ज्यादा लाचार हैं। इसे मिलकर मुझे पता चला कि किस हद तक हम पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सॉरी, चलो जाओ घर। जल्दी रहती थी ना तेरे को हर मामले में। ये 7 महीने का था तब से मां के पेट में हाथ पैर चलाने लगा था, बहुत जल्दी थी। अब मैं इसको कंधा दूंगा, मैं इसका बाप इसको कंधा दूंगा, आग दूंगा इसको, इसको जलता हुआ देखूंगा। नहीं, डाबला अपने बेटे की चिता को देखेगा नहीं। अभी तो और लाशें गिरेंगी, जिन्हें ना कोई कंधा देने वाला होगा और ना ही आग। खून निकल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है ना? किधर गई थी? मंदिर में अपने देवर की लंबी उम्र की प्रार्थना करने गई थी। उसको भी मरना होगा, बिल्कुल तेरे पति की तरह। डाबला से टकराने का अंजाम तो भुगतना होगा ना? तू अपनी फिक्र कर डाबला, क्योंकि विजय जहां भी होगा तेरी चिता के लिए लकड़ियां चुन रहा होगा। लकड़ियां जरूर चुन रहा होगा जगत मैया, लेकिन मेरी नहीं, अपनी चिता के लिए। अब आदेश भैया जरूर आएगा। Thank you.
लिए पकड़ो प्रिया। Yeah.